यहाँ पर हम दलौटी कढ़ाई बना रहे हैं। दलौटी कढ़ाई के लिए यहाँ पर हाफ के जी मटन लिया है। मटन में बना रही हूँ दलौटी कढ़ाई। आपके पास जो है कि आप बीफ में बनाएं, चिकन में बनाएं या मटन में बनाएं, यहाँ पर मैं मटन का इस्तेमाल कर रही हूँ। मटन बनाऊंगी। मटन मैंने हाफ के जी लिया है और मैंने पैन कढ़ाई में मैंने ऑयल मैंने डाल दिया था पहले से ही गर्म करने के लिए। ऑयल गर्म हो चुका है और यहाँ पर मटन डाल देंगे। हाफ टीस्पून वन टीस्पून नमक ऐड करेंगे। वन टीस्पून नमक ऐड करेंगे और इसे हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। डाल देंगे वन टेबल स्पून अदरक का पेस्ट और वन टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट को अच्छी तरह से भूनेंगे। यहाँ पर अभी स्पाइसेस डालेंगे। यहाँ पर हाफ टी स्पून नमक है, वन टी स्पून वन टी स्पून यहाँ पर चिली मिर्च है, वन टी स्पून कुटी हुई मिर्च है, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर है और हाफ टी स्पून ही कुटा हुआ धनिया है। इन तमाम चीज़ों को ऐड करेंगे, इसे मिक्स करेंगे और इसके साथ ही टमाटर प्यूरी डालेंगे। ये बस यहाँ पर हम ब्लोची कढ़ाई बना रहे हैं तो ब्लोची कढ़ाई में प्यूरी का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मैं प्यूरी का इस्तेमाल करूँगी। एक कप प्यूरी लेंगे। मसाला भून चुका है, ऑयल ऊपर आ गया है। अब इसमें मैंने ऐड कर दी ग्रीन चिली। ग्रीन चिली मैंने 4 से 5 रुपये साबुत ली है और 3 मैंने सारी कट कर ली है, उसे ऐड कर दिया है इसमें और इसे हम 3 से 4 मिनट तक कुक करेंगे। और अब ऐड कर देंगे ये लेमन के स्लाइस ऐड करेंगे और इसे 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। अब यहाँ पे हाफ कप दही ऐड करेंगे। ये बस दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था और दही ऐड करने के बाद हमें कढ़ाई को एक डायरेक्शन में ही चलानी है ताकि हमारी दही फटे नहीं। छोटे छोटे टिप्स हैं
उनका ख्याल रखते हुए रेसिपी को बनाइएगा, बहुत अच्छी रेसिपी बनेगी। इसे इसी डायरेक्शन में चलाएंगे।